ये देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा, तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। और तभी पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूँ ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता क्या? इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं और दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उस आदमी के आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी संभल संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोककर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे हैं ना, वो सारा सामान इसी भूत का है। क्योंकि आज से एक महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके ले जा रहे हैं, उस घर में एक बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वो बूढ़ा बाप काफी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफर कराने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात को सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस आदमी को इतना सब कैसे पता। मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर हूँ और वो घर भी तो मेरी ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरी ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत ही हूँ, एक साल आगे इसी जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात